हेलो फ्रेंड्स, मैं शैली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घर पर गरम मसाला पाउडर बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। जब हम बाज़ार से मसाला खरीदते हैं तो थोड़ा सा मसाला ही हमें बहुत महंगा पड़ता है, तो आज हम बिल्कुल बाज़ार जैसा खुशबूदार गरम मसाला बड़ी आसानी से घर पर बनाएंगे, जो हमारी सब्जियों के स्वाद को दुगना कर देगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 25 ग्राम सूखा धनिया, 20 ग्राम मैंने जीरा लिया है, 7 से 8 दालचीनी के 1-1 इंच के टुकड़े, 4 से 5 तेज पत्ता, 10 से 12 हरी इलायची, 25 ग्राम साबुत काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग, 25 ग्राम बड़ी इलायची, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, यहाँ मैंने 2 फूल जावित्री के लिए हैं, और ये मैंने 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ जायफल पाउडर लिया है। आप इसकी जगह 1 साबुत जायफल भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन सभी मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम गैस ऑन करके एक पैन लेंगे और पैन को लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। ध्यान रहे, गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब पैन में हम ये धनिया डाल देंगे, जीरा डाल दें, सौंफ, लौंग, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे और इन्हें लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट तक हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भुनेंगे। बस ये हमारा मसाला अब रोस्ट हो चुका है, गैस को बंद कर दें। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। आप चाहें तो इन मसालों को रोस्ट करने की बजाय 3 से 4 घंटे धूप में रख दें, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लें। ये हमारा मसाला अब थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में निकाल देंगे। इसमें हम ये जायफल पाउडर भी डाल देंगे ताकि ये मसालों के साथ ही मिक्स हो जाए। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से तब तक ग्राइंड करेंगे जब तक कि ये मसाले अच्छे से पाउडर ना बन जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छे से पीसकर पाउडर बन गए हैं। अब इस पाउडर को हम छान लेंगे। हमारा गरम मसाला पाउडर बनकर तैयार है। अब हम इस मसाले को थोड़ा ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखेंगे और इसे आप 5 से 6 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपी के साथ।